गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 5 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का मैं अर्चना सिंह सक्सेसमन चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो आज देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स में, क्या स्पोर्ट्स में नई घटनाएं घटी जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे चैनल पे मेंस की सीरीज चलाई जा रही है GS 1, 2, 3, 4, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो व्यूवर्स नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल और सक्सेसमन पेज, सक्सेसमन फेसबुक पेज और सक्सेसमन फेसबुक का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन ज़रूर करें क्योंकि उसमें PDF का मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारी कर्नाटक राज्य सरकार ने। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। तो कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजूभाई वाला और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा में कर्नाटक की सीटें हैं 28, राज्यसभा में 12 हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निदेशक थे। IOC मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारतीय तेल निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को और मुख्यालय था इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल दिवस विश्व स्तर पर खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में किया गया था और इस वर्ष इसकी ये 96वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं जनेवा शहर के लिए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, तो इससे पहले जनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंद्र भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे जिनका कार्यकाल 3 साल का था जो कि पूरा हो चुका है। जनेवा जो है वह स्विट्जरलैंड में एक देश है और UN की अगर बात करें तो इसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। इसमें प्रेजेंटली इस समय 193 कैंडिडेट्स हैं और अध्यक्ष इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज की कीमतों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान TV जैसे वैल्यू एडिट सेवाएं ये प्रदान करेगी। HDFC की फुल फॉर्म की अगर यहाँ बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी मतलब कि CVO का पदभार संभाला है? तो ये हैं हमारे रविंद्र भाकर, ये अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ये इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज के 1999 बैच के अधिकारी हैं और CBFC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और उसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है? तो ये है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी दोनों। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक हैं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए
किए गए इनके प्रयासों के योगदान के लिए कॉर्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी 209 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो ये बनी है हमारी टेस्ला। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी 209 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ जापानी कंपनी टोयोटो को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया और विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अब तक टोयोटो को ही सबसे वैल्यूएबल कंपनी का खिताब हासिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये एम्बुलेंस नेशनल इमरजेंसी सर्विस 108 और राज्य हेल्थ सर्विस 104 नंबर वाली है। इसमें प्रोग्राम की कवरेज के लिए 5 ड्रोन कैमरे का उपयोग भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे हमारे फ्रांस के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने आगामी दिनों में सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि जब तक मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आता, तब तक फिलिप ही सरकारी मामलों को संभालते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो ये है अमेरिका। भारत के जो गृह मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिका देश के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रेहान सिद्दीकी बॉलीवुड से जुड़े इवेंट का आयोजन करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वे भारत विरोधी और खासकर कश्मीर प्रोपोगेंडा को फंडिंग भी करता है। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।